व्यंग्य संग्रह खोज मिले गुम्बक से इस दौर में मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहली हमारे सामाजिक के समारोह हरदास शादी में जो हम भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं उसके बारे में ये व्यंग्य है। इसका शीर्षक है हट जाता हूँ पक्षे में। सुबह सुबह ही टेलीफोन की घंटी बज उठी, आवाज सुनाई दी, क्या कर रहे हो बरखुरदार? आवाज पहचान गया, गुरु और खोजी जी बोल रहे थे। जवाब दिया, चाय पी रहा हूँ और अखबार देख रहा हूँ। अखबार देख रहे हो या पढ़ रहे हो? अपनी हिंदी सुधारो बंधु, खोजी जी ने टोकते हुए कहा। मैं अपनी बात पर कायम रहते हुए बोला, सचमुच देख ही रहा हूँ गुरु, आजकल के अखबार देखे जा सकते हैं, पढ़ने जैसा कुछ छपता ही नहीं। रंगीन कपड़े, उगाड़ू विज्ञापन, दुर्घटनाएं, हत्या और बलात्कार या फिर बाबा भैयाओं के प्रवचन, चाय पीने के साथ साथ अखबार देखना भी निपट जाता है। लेकिन आपने याद कैसे किया गुरु? बरखुदार, खाली पेट योगासन कर लो और बाद में हल्का नाश्ता ही करना, शाम तक अच्छी भूख लगनी चाहिए। क्या मेरा ऑपरेशन होगा? मैंने पूछा। खोजी जी अपनी वाणी मिश्री बोलकर बोले, भैया ये संजय गांधी का युग नहीं है, ऑपरेशन हम ही किसी का करेंगे, शाम 5 बजे मेरी कोठी पर रिपोर्ट करो। कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। सोचने लगा, खोजी जी क्या नया खोज कर रहे हैं, किसी को सत्य में डालकर गुरु को बड़ा मजा आता है। शाम तक मैंने एक हवाई किले बनाता रहा, सोच रहा था जिस भांति गुरु अपने 2 कमरों के मकान कोई कोठी कह रहे हैं, 5 बजे भी कोई अजूबा नहीं मिलेगा। गुरु का आदेश चार नहीं सकता था, 10 मिनट पूर्व पहुंच ही गया। देखा उनका कूलर चल रहा है, मेज पर एक शादी कार्ड रखा हुआ था, गुरु स्वयं बाबा रामदेव के चित्र के सामने बैठे कपाल भाती कर रहे थे। मुझे देखकर बोले, आओ बंधु मेरे साथ योगासन करो, भूख ऐसी लगनी चाहिए कि लगे कि पेट में चूहों का मलयुद्ध हो रहा है। मैंने स्पष्ट किया, गुरुवर मेरा पेट बिल्कुल खाली है, भूख सताने लगी, आखिर माजरा क्या? शाबाश, तुम बैठो, बाबा रामदेव का ध्यान करो, तब तक कुछ देर में कपाल भाती और कर लेता हूँ। ऐसी जगह बैठकर 100 की स्पीड में पेट को आगे पीछे करने लगे। कार्यक्रम सूचित कर देते तो तसल्ली हो जाती, मैंने कहा। अपने पेट को हिलाते हुए उन्होंने आंखों का इशारा मेज की ओर किया और बोले, क्या तुमने शादी कार्ड नहीं देखा? मैंने शादी कार्ड खोलना पड़ा, वो समझ में नहीं आया। कहा, पहली में बुझाओ गुरु, ये देख लिया कि शादी कार्ड आपके नाम से है और आज शाम में आपको प्रीति भोजन बुलाया गया है, लेकिन आपने मुझे क्यों याद किया? इसे ध्यान से पढ़ो बंधु। कहते खोजी जी लोम विलोम करने लगे, एक नाक से अंगुली उठाते हुए बोले, कार्ड में सह परिवार आने का अनुरोध है कि नहीं? हाँ है, पर तो क्या मतलब है इसका? मेरे परिवार में तुम्हारे सिवा और कौन है? खोजन इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा परिवार कौन है? निमंत्रण पत्र की भावना का हमें आदर करना चाहिए। दुल्हे का बाप मुझे अकेला देखकर नाराज हो जाएगा, बारात यहीं के गेस्ट हाउस में जाएगी, खत्ता दुल्हन का पिछावन करेगा, फिर बारात छोटी क्यों? यूं भी तुम्हारी चाय उनकी बहुत खा चुका, आज कुछ उड़ी हो जाओ। लंबे सांस लेकर उन्होंने अपने नाक को मुक्त कर दिया। तो क्या लड़के के बाप ने अपने घर में मां बोल नहीं दिया? मैंने पूछा। खोजी जी खड़े हो गए थे, बाबा रामदेव की स्टाइल में एक आंख नीच कर हंसते हुए बोले, गुमक्कड़, दुल्हा का बाप बड़ा फाकिर है, कल उसने कोई प्रीति बोल नहीं दिया, दुल्हन को यही बुला लिया है, अब सब बाराती हो गए हैं, शुद्ध कमाई होगी। कुछ क्षण गुरु दोनों पैरों से एक साथ ऊंचे उछले, फिर हाँपते हुए बोले, लेकिन हम भी उसके उस्ताद हैं, जब वो दुल्हन के घर पर ही जुम्मन का नेता दे रहा तो हम लोग शगुन के पैसे भी क्यों दें? इसलिए अपना संकोच ढो डालो और आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। खोजी जी दूसरे कमरे से सफारी सूट पहनकर बाहर निकले, बोले, बरखुरदार इन फाजे के निमंत्रण पत्रों ने मेरा तो बजट ही गड़बड़ा दिया, अब मैंने इसका समाधान खोज लिया है, दावा बोलकर जीमो और भीड़ से छुसक लो, या कोई शादी कार्ड लेकर आपका दिखाई दे तो छुप जाओ, अन्य कोई उपाय नहीं है। मेजबान क्या सोचेगा गुरु? मैंने पूछा। यही कि हम उसके भी उस्ताद निकले,
आज जो भीड़ एकत्र करने की होड़ मची है उसका यही इलाज है। लेकिन आज तो हम बारात में शामिल हो रहे हैं। राजा की सेना पर भी कोई प्रतिबंध होता था, लेकिन बारात पर अब कोई नियम लागू नहीं हो सकता। बारात का मतलब है अराजकतावादी तत्वों का समूह। अंधेरा होने पर जुड़ने के घर से बारात निकली। डीजे की कर्कश आवाज पूरे मोहल्ले को बहरा किए थी। गुरु चले, हम दोनों भी बारात में शामिल हो गए। गुल्ले के मामा ने गुरु खोजी जी को तुरंत पहचान लिया। आओ पत्रकार जी, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। खोजी जी ने गर्व से मेरी ओर देखा। सपा संदेश था कि इनकी अहमियत बड़ी है। अपनी बाहों में भरकर खोजी जी को पीछे की ओर दे गए। मेरी खूब क्या नजर उनका पीछा कर रही थी। एक काले शिष्य की गाड़ी में गुरु को बचलते हुए कह रहे थे, ये बारात की मधुशाला है जो आप जैसे बुद्धि को लिए है। दोनों अंदर बैठकर मूड बनाओ और मस्त होकर बाहर आ जाना। गुरु ने अंदर मुझे भी खींच लिया। शीशा बंद कर बोले गुमक्कर, इस देश में बाराती को जितनी छूट है अन्य किसी को नहीं। ये हमारे लोकतंत्र का उजला पक्ष है। पानी मिले या नहीं, दारू खूब मिलती है। यदि बाराती सोमरस ग्रहण नहीं करे तो बारात का मजा ही क्या। कहकर वे प्लास्टिक का गिलास भरने लगे। हमारे लिए 10 मिनट का समय आरक्षित है गुमक्कर, स्पीड बनाई रखो, कहते हुए एक ही साथ में झटक गए। गाड़ी में ऐसी की ठंडी हवा का लुत्फ लेते हुए गुरुदेव मौज में इतरा रहे थे। मैंने पूछा, अब आपको बाबा रामदेव याद नहीं आते? खोजी जी बाबा रामदेव की नकल करते हुए एक आह लीट कर बिल्कुल वैसे जैसे देवता मंदिर तक ही रहते हैं, बार भक्तों का इरादा रहता है। हम गुरु के लिए आनंद ले ही रहे थे कि फाटक से कार का दरवाजा खुला। मामा की प्यारी से आवाज थी, पत्रकार जी नाचने वाले अबोधित लोग उतावले हो रहे हैं, आप बाहर आए तो उन्हें अंदर कर दें। मामा और गुरुवर एक साथ हंसे। अलग झपकते खोजी जी ने गिलास भरा और इस समय की अंतिम खुराक झटक गए। बोतल के ढक्कन लगाना भूल गए थे, इससे अनमोल पेय लुटकने लगा। मेरी नजर पड़ गई थी जिससे उसे संभाला। खोजी जी दूसरे क्षण मामा का कंधा पकड़कर बाहर आ गए। प्रतीक्षारत युवा टोली ने हमें घूर कर निहारा और तुरंत कार में घुस गए। खोजी जी मामा के कंधे के सारे कवरे थे। अब बारात चौराहे पर पहुंचती थी। युवा बारात उन चारों ओर के रास्ते रोककर नापने का एक बड़ा स्थल विकसित कर लिया था। खोजी जी से रुका नहीं गया, चलो अपने भी नाचते हैं, कहते हुए मामा के साथ ठीक दूल्हे की जोड़ी के सामने फिरकने लगे। नाचते नाचते दो युवाओं के टोली के बीच पहुंच गए। यहाँ हरियाणा की युवा संस्कृति और मूल प्रदेश की ढीली डाली परंपरा का समावेश था। मामा ने खोजी जी के गले में अपनी बाहें डाल दी और झूमने लगे। तत्काल गीत बदल गया था। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, डीजे गूंजने लगा। कुछ युवकों ने इन दोनों बुजुर्गों की घेराबंदी कर ली। ताले बजाकर पुल्ले मटकाकर इस जोड़ी का हौसला बढ़ाने लगे। कभी पंजाबी गीत बजता, कभी हरियाणवी तो कभी राजस्थानी। ऐसा लग रहा था विभिन्न संस्कृतियों का संगम हो गया हो। एकता में अनेकता अथवा अनेकता में एकता, ये समीक्षा खोजी जी कर सकते थे। धीरे धीरे नाचने वाले युवकों ने मामा को नाच चक्र से बाहर कर दिया। खोजी जी चक्र से बाहर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। यह भी देखा गया कि जब भी थक कर खड़े होते कोई युवक उनके हाथ पकड़कर उन्हें पुनः नाच शुरू करने को मजबूर कर देता। एक अवसर पर दो युवकों ने उन्हें उठाकर नाचना प्रारंभ कर दिया। कुछ क्षणों पश्चात उन्हें लगभग 2 फीट ऊपर से छोड़ दिया। गुरु संभल नहीं सके और सड़क पर पसर गए। मामा करीम दौड़कर उन्हें झाड़ पहुंच कर पुनः खड़ा किया। खोजी जी शायद मुझे तलाश रहे थे, लेकिन मैं उनकी नजरों से ओझल था क्योंकि मैं ऐसी दुर्गति नहीं करवाना चाहता। तभी डीजे पर गाना बदला। हरियाणवी राग में का उत्कृष्ट गीत बजने लगा। हट जाता हूँ पाछे में, नाचन देव जी घर के नहीं, हट जाता हूँ पाछे में। अंधेरे में ताजा होकर आए युवकों ने खोजी जी को धकेलना प्रारंभ कर दिया। असल में इस वक्त गुरुदेव को वॉलीबॉल बना दिया गया था। कुछ युवक एक ओर से धकेलते तो दूसरी ओर के युवक उन्हें थाम लेते और वापस धकेलते। गनीमत थी कि उन्हें जमीन पर गिरने से बचाया जा रहा था।
तभी गुरु की नजर मुझसे टकरा गई। उनकी आंखों में यातना थी कि कैसे भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाए। ये पसीने से लथपथ थे। एक युग ने खोजी जी की कमर कस कर पकड़ ली। गीत बज रहा था, आज से यार मेरे की शादी, एक बोतल दो बियर ला दी। युवक खोजी जी की वृद्ध कमर को दाएं बाएं नचाने लगा। खोजी जी अक्सर कहते रहते होंगे हरियाणा में कल्चर नहीं एग्रीकल्चर है, लेकिन आज ये हरियाणा कल्चर के दाव में फंस गए थे। हटजा पाओ गाते हुए युवक उन्हें कोने भी मार रहे थे, लेकिन हटने भी नहीं दे रहे थे। गीत बज रहा था, आज किसी का दर्द भी कोई नहीं, दोहरे से मारा घर भी कोई नहीं। पसीने में लथपथ खोजी जी की ऐनक छरक कर उनकी नाक पर लटके कर रही थी। ये बार बार हाथ से ऐनक को संभाल रहे थे, लेकिन वह बेकाबू थी। मैंने मामा श्री से विनती की, गुरु को बचाए नहीं तो ये शहीद हो जाएंगे। एक मंत्रला माइक से गाने लगा, खोजी गुरु तेने कर दिया काला, नैन गोरी अर तू है काला, तेरे उठे पैर शराबे में, नाचन दे जी घर के में। हो करते हुए युवकों ने गुरु की गेंद बना दी। आखिर मामा श्री खोजी जी को बाहर निकालने में सफल हो गए। गुरु को एक दुकान के आगे रखी बेंच पर सुलाया गया। फेफड़े धोखने की बात क्रियाशील थे। मामा श्री ने उनके सिर पर दो तीन गिलास पानी के उबेल दिए। घायल कबूतर की भांति खोजी जी ने अपने होठ फड़फड़ाए, आंख खोलकर बोले, गुमक्कत, क्या मैं तुम्हें इसलिए साथ लाया था कि मेरा तमाशा देखते रहो? भले आदमी, गुरु के प्रति यही सम्मान है तुम्हारा। गुरुवर, उन लोगों ने फिर भी तुम्हारे बुढ़ापे का मान रखा। मैं उनके चक्र में फंस जाता तो अभिमन्यु की बातें बाहर नहीं निकल सकता था। फिर भी मैं लज्जित हूँ। सचमुच खोजी जी के सामने शर्मिंदा था। अभी मामा श्री ने एक बोतल ठंडे पानी ला कर दी। गुरु ने एक ही सांस में पानी घटक लिया। गुरु बेंच पर चित लेते थे, उनका नशा उतर चुका था। तभी मामा श्री एक गिलास मधुरस ले आए। गुरु के पैरों पर मुस्कान तैरने लगी। मामा श्री ने कहा, इसे पी डालो ताकि खाने के लिए चलने की ऊर्जा मिल जाए। खोजी जी जरा भी नान ऊपर नहीं की, एक सिगरेट छुल गई और खड़े हो गए। चलते हुए बोले, भले आदमी, खाने मेरी सहायता करना। दुल्हन का घर आ गया था। नाचने वालों में पुनः जोश भर गया। इनको अधिकांश बराती खाने के लिए भाग चुके। लड़की का बाप चाहता था कि उसके घर के सामने सब लोग कुछ देर नाचे, लेकिन बाराती बेलगाम हो गए। उन्होंने लड़की के बाप को एक और धकेला और खाने पर दावा बोल दिया। भोज क्या था? महाभोज था। जब तक गुरु और मैं साफ प्लेट उठाते, महिला और बच्चों का टिड्डी दल भी टूट पड़ा। प्लेट को खोजी जी अपने रुमाल से पूछने लगे। एक सिरे से मैंने भी अपनी प्लेट साफ की। तभी महिलाओं के लेने में ऐसा धकेला कि हम गुरु से पुनः बिछुड़ गए। सामने के टेबल पर जो कुछ मिला मैं उससे संतुष्ट था। खाने वाले पसीने से लथपथ थे। एक दूसरे गर्म सांसें और होठों की आवाज से मैं परेशान हो उठा। लगा अंदर से बगावत होने वाली है। अराजकता के इस माहौल में मैं टिक नहीं सका। प्लेट टोकरी में पटक कर खाने के इस मैदान से मैं भाग छूटा। खुले में ताजा हवा लेने और पानी पीने से मेरी जान में जान आई। तभी अपने गुरु का स्मरण हो आया। दत्ता मुक्ती के इस रेले में मैं खोजी जी को तलाशने लगा। महिलाओं के एक बड़े से झुंड के बीच खोजी जी प्लेट संभाले खाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। अजीब दृश्य था। एक हाथ में प्लेट पकड़े, सिर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर प्लेट को थामे हुए थे और दूसरे हाथ से कोर उठा रहे थे। तनिक भी हिलते तो किसी महिला से टकराने की पूरी संभावना थी। खोजी जी के भाग्य से मैं ईर्ष्या करने लगा। उनके चारों ओर जो महिलाओं की बाराबंदी थी, उससे मैं उन्हें देवराज इंद्र के समकक्ष समझ रहा था। मैंने देखा कि खोजी जी बार बार नाक त्राई ऐनक को ठीक कर रहे थे। इससे ऐनक के शिष्यों पर दाल सब्जी छा गई। तभी तर्स खाकर एक महिला ने उनकी ऐनक उतार कर अपने पल्लू से साफ की और उनकी आंखों पर फिर से लगा दी। एक दो महिलाएं अपनी अपनी प्लेट से मिठाई या पूरी उठाकर खोजी जी प्लेट में रख रही थी ताकि उनकी आहार नली बराबर क्रियाशील बनी रहे। इससे गुरु को बड़ी राहत मिली। उनकी आंखें महिलाओं के प्रति कृतज्ञ थी। एक महिला उनकी पीठ से अपनी पीठ सटाकर भोजन कर रही थी।
इससे गुरु को एक सुरक्षित कोमल दीवार महसूस हो रही होगी, क्योंकि अर्थ से कोई खतरा नहीं था। मैं सोच रहा था कि खोजी जी इस सुरक्षा कवच को कैसे बेल पाएंगे। यूं भी महिला सशक्तिकरण का जमाना है, इसी आठ हिंसोले में गुरु से मेरी आंखें चार हुई। मैंने इशारा किया कि कैसे भी इस अभेद्य सुरक्षा कवच को तोड़कर बाहर आ जाएं, लेकिन गुरु की प्रतिक्रिया बहुत सुस्त थी। उनकी प्लेट खाली हो चुकी थी और शायद उदर की मांग पूरी नहीं हो पाई। महिला विभाग की ओर से अति आवश्यक सप्लाई रोक दी गई थी। मैंने साफ करके इस चक्र से गुरु को बाहर लाने का प्रयास किया, लेकिन हरी मिर्ची खाती बहन जियों के तेवर देखकर अपने कदम वापस खींच लिए। खोदी जी अपने प्लेट अपने सिर पर रखकर धीरे धीरे चक्र से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर थे, जो इस बात का संकेत था कि ये आत्मसम्मान पर चढ़ चुके हैं। कोई महिला बेशक उन्हें छू ले, वे स्पर्श करने की स्थिति में नहीं थे। कुछ महिलाओं की भ्रकुटी उन पर बनी हुई थी तो कुछ उन पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मेरा मन हुआ जोर से नारा लगाऊं, खोदी जी संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किंतु मेरी आवाज कायर का कायर निकल नहीं पाई। लेकिन महिला योद्धाओं से मैंने मार्मिक अपील अवश्य की, बहन जी हो कृपया गुरु को इस भवसागर से बाहर आने का रास्ता दें, वृद्ध जीव है। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि अनेक महिलाओं ने मेरी ओर ठहाके लगाए। वेग इतना था कि उनके मुंह से निकले अन्न सब्जी के थर्रे मुंह पर चिपक गए। मैं अपना चेहरा साफ करने लगा, तभी एक सुंदरी के सिरमुख से फूल गड़े। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाया है क्यों जो इस आयु में भी महिलाओं के दिल से रसीद बनता हो। दूसरी ओर भी तीखा वार किया, कभी जवानी बुड्ढे ने कभी पहली बार किसी महिला के मुंह से शेर सुना। कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते, इश्क तो करते हैं लोग शक नहीं करते। बाप रे, करता हुआ जीव में वापिस मुरा, गुरु मेरे से टकराए। मैंने उन्हें सहारा दिया, जान बची और लाखों पाए। पूछा, सब ठीक था गुरु? अरे क्या खास ठीक है, अपने प्लेट टोकरी फेंकते हुए बोले, तुम फिर रणछोड़ साबित हुए हो। हाथ में धोकर गुरु रुमाल निकाल रहे थे कि चीख पड़े, अब क्या हो गया? तो राजन ने पूछा, वो मकर मेरा पर्स गायब हो गया। अरे तो क्या आप पर्स लेकर आए थे? हाँ बंधु, भूल से गया था, उसमें 600 रुपए थे। मुड़कर वे महिलाओं को ताकने लगे। कहना चाहता था कि आप दो दो चक्कर भी तोड़कर आ रहे हो, पता नहीं युवाओं ने हाथ साफ किया या महिलाओं ने, लेकिन वे स्वयं ने कहने लगे, जब रुमाल से प्लेट साफ कर रहा था तब पर्स सुरक्षित था। वे अपनी सभी जेबें दोबारा कटोरने लगे। इसी बीच मैंने देखा उनकी पीठ पर दाल सब्जी गहराई से चस्पा हो गई थी। कंधे से लेकर कमर तक वे सतरंगी नजर आ रहे थे। बीच बीच में रसगुल्लों की चाशनी चमक रही थी। एक युग नाथ आंख मार कर कहता हूँ, इस फरमाने गया था, प्रेम रंग में रंग कर आया। गुरु ने उसे घूर कर देखा, फिर मुझे इशारों में इसका अर्थ पूछने लगे। मैंने विनती की, गुरुवर अब तो भागने में सलामती है, आपका सपारी सूट पीछे से अब भी दावत चख रहा है। गुरु ने अपने पीठ पर हथेली फेर के सुनिश्चित कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोले, कोई चोर रास्ता दे गुमकर, जल्दी घर पहुंचे। रास्ते में बोले, गुमकर आज मैं तीसरी कसम के गाड़ी वाहन की भांति कसम खाता हूँ कि भविष्य में किसी शादी समारोह में भूखा रह सकता हूँ, किन्तु महिलाओं के आस पास ही नहीं खड़ा हो जाऊंगा। महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, मैंने नारा लगाया।